और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 109 उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में जारी की है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 61 फसलों की 109 किस्मों के बीजों की वैरायटी रिलीज की है, जिसमें अनाज की 69 किस्में और बागवानी की 40 किस्में शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से बातचीत भी की। आज क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं तो एक्साइटमेंट बहुत है, वो आप मेरे चेहरे से भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में खर्चा कम लगता है। 15 साल से मैं कर रहा हूँ सर नेचुरल फार्मिंग, और मैं ऑर्डर पूरे नहीं कर रहा, खाने वाले इतने हैं, उगाने वाले कम। भाई आप लोग तो सुबह सुबह यहाँ आए होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन वंदन करना चाहूंगी कि उन्होंने किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। आज खाद्यान्न की लगभग 70 वैरायटीज और बागवानी की 40 वैरायटीज, नए वैरायटीज किसानों को प्राप्त हो रही है। हमें यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आज 109 वैरायटियाँ ये लॉन्च होने वाली है यहाँ पर। मैं मुख्यतः जवार बाजरा गेहूँ की खेती करता हूँ और बाजरा ज्यादा पसंद करता हूँ सर। इसमें जो है डायबिटीज वगैरह कैंसर से लड़ने की क्षमता है, बाजरे में सुपर फूड है। तो श्री अन्न जो नाम दिया इसको, सच्ची मुच्ची अच्छे करके दिया। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा है, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए, बाकियों में आपकी जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो चार कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। और इसी के साथ यहां पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।